हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय इंफॉर्मेटिव चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टाइपिंग कोर्स पर लेक्चर मैंने स्टार्ट किए हैं कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब तक जो लेक्चर नंबर 6 हुए, लेक्चर नंबर 6 तक मैंने करवाया, उनमें बहुत ही सिंपल काम था, वो आपने प्रैक्टिस की होगी कि पहले मैंने लेक्चर नंबर 1-2 में आपको होम रो के बारे में बताया और 3-4 में आपको बॉटम रो के बारे में बताया और 5-6 में आपको अपर रो के बारे में बताया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताया। अब इन तीनों का इस्तेमाल ऊपर नीचे किस तरह से करेंगे ये मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में बताऊंगी। पहले हमने इनके सेपरेटली किया, अब हम इनको एक ही दफ़ा से ऊपर नीचे किस तरह से बटन्स को प्रेस करना है ये हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 7 में। तो ध्यान से और गौर से देखिएगा, ये कुछ डिफरेंट है जो आपको समझना है। सबसे पहले आपने फिंगर्स को उसी तरह से एडजस्ट करना है कि मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स हमेशा बॉटम रो पर ही रहती हैं, जिसे हम होम रो भी कहते हैं। तो ये आपने फिंगर्स को अपने इस तरह से प्लेस कर दिया, ये जो दरमियान के 2 बटन्स हैं तीनों रोज के, यहाँ से जैसे हमने हमेशा हर दफ़ा छोड़ा था TY, GH और BN, इनको आपने इस तरह से छोड़ देना। बाकी जैसे हम 4 फिंगर्स एडजस्ट करते थे, इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो लिटल फिंगर होगी इसका देखिए आपने इस तरह से इसके ऊपर नीचे किस तरह से प्रेस करना है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये जो आपकी लिटल फिंगर है ना, इसे देखें, पहले आपने इसे ए को प्रेस करना है। हमेशा हमेशा होम रो से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। होम रोज के बटन से ही आपकी टाइपिंग जो है बाकी स्टार्ट होगी। देखें, ए क्यू अपर, फिर पहले होम रो ए क्यू ए, ठीक है, उसके बाद ए जी ए। गौर से देखें ये लिटल फिंगर के साथ किस तरह से करना है, ए क्यू ए ए जी ए स्पेस बार, ये भी आपने करते जाना है, ए क्यू ए जी ए स्पेस बार। फिर आपने जो नेक्स्ट फिंगर थी, ये आपका लिटल फिंगर का हो गया, नेक्स्ट फिंगर आपकी किस पर थी, एस पर थी, ठीक है। तो इसका देखिए, होम रो से स्टार्ट करेंगे, एस डब्ल्यू एस एस एक्स एस, ठीक है, एस डब्ल्यू एस एस एक्स एस स्पेस बार। फिर आपकी नेक्स्ट फिंगर डी पर थी, डी ई डी डी सी डी स्पेस बार, डी ई डी डी सी डी स्पेस बार। मतलब जो आपका होम रो का बटन होगा वो कितनी दफ़ा प्रेस होगा ये गौर से देखें। सबसे पहले तो 1 टाइम इस तरह प्रेस हुआ डी, फिर नेक्स्ट आप करते हैं ई, फिर से डी प्रेस हुआ 2 टाइम्स हो गया, फिर से डी प्रेस करना है 3 टाइम हो गया, फिर सी को करके फिर डी प्रेस 4 टाइम। मतलब जो आपके होम रो के बटन्स होंगे ये आपके 4 टाइम प्रेस होते हैं, ठीक है। देखें, डी ई डी डी सी डी, फिर आके स्पेस बार, फिर नेक्स्ट फिंगर 4 फिंगर आपके एफ पर होती है, तो एफ आर एफ और फिर एफ वी एफ स्पेस बार। ये आपने लेफ्ट फिंगर के बटन्स के साथ करना है। दोबारा से देखें आपने किस तरह से करना है, इन फिंगर्स को इस तरह से रख के A Q A A Z A S W S S X S D E D D C D F R F F B F और स्पेस बार को आपने हर एक बटन को प्रेस करने के बाद करना है। देखिए इस तरह से A Q A A Z A स्पेस बार, S W S S X S स्पेस बार, D E D डी सी डी स्पेस बार, एफ आर एफ एफ वी एफ स्पेस बार। इस तरह से आपने करना है। पहले मैंने आपको बताया बटन्स पर किस तरह से प्रेस करना है, फिर सेपरेटली कि आपने स्पेस बार पर किस तरह से करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड का हो गया। अब मैं आपको राइट हैंड साइड की फिंगर्स बताती हूँ कि इनको आपने किस तरह से बटन्स पर प्रेस करना है। सबसे पहले फिंगर्स तो आपकी इसी तरह से रहेंगी, होम रो पर के लिटिल फिंगर सेमी कोलन पर नेक्स्ट एल के जे ये रहेंगी। अब आपने प्रेस किस तरह से करना है ऊपर नीचे, जो आपकी लिटिल फिंगर होगी आपने होम रो से पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करना है। किस तरह से, सेमी कोलन पी सेमी कोलन स्लैश सेमी कोलन सेमी कोलन पी सेमी कोलन स्लैश सेमी कोलन और फिर आपने स्पेस बार कर देना है। फिर आपकी नेक्स्ट फिंगर जो होती है वो आपकी एल पर होती है, तो इस तरह से एल ओ एल एल डॉट एल स्पेस बार। दोबारा से देख लें, जो आपकी नेक्स्ट फिंगर होती है वो आपके एल पर होती है, तो एल ओ एल एल डॉट एल स्पेस बार। नेक्स्ट फिंगर आपकी के पर होती है, तो के आई के
के कोमा के स्पेस बार, के आई के कोमा के स्पेस बार। और आपकी जो फोर फिंगर होती है वो आपकी जे पर होती है, तो जे यू जे एम जे स्पेस बार, जे यू जे एम जे स्पेस बार। इस तरह से आपने अपने फिंगर्स को लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की आपने ऊपर नीचे प्रेस करना है, और ये तीनों फिर आपकी रो जो है लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया है कि किस तरह से आपने तीनों रोज का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा करके बताती हूँ लेफ्ट एंड राइट साइड की किस तरह से आपने प्रेस करना है। देखें मैं आपको फिंगर्स रख के बताती हूँ, आपने हर फिंगर को देखे किस तरह से प्रेस करना है। ए क्यू ए ए जी ए क्यू ए जी ए स्पेस बार, फिर आपकी नेक्स्ट फिंगर एस डब्ल्यू एस एक्स एस स्पेस बार, डी ई डी सी डी स्पेस बार, एफ आर एफ एफ वी एफ स्पेस बार, एंड जो राइट साइड की है सेमीकोलन पी सेमीकोलन सेमीकोलन स्लैश सेमीकोलन स्पेस बार, एल ओ एल एल डॉट एल स्पेस बार, के आई के एम के स्पेस बार, जे यू जे एम जे स्पेस बार। इस तरह से आपने करते जाना है, और इस तरह से लेक्चर नंबर 7 में आपने ये सीखना है कि आपने तीनों रोज़ का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसकी प्रैक्टिस करें। और जो लेक्चर नंबर 7 है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हमने तीनों रोज़ का इस्तेमाल एक साथ किया स्पेस बार के साथ, तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपके फिंगर्स जल्दी जल्दी से जो है बटन पर प्रेस हो सके, तो आप जो है जल्दी से टाइपिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 के बाद लेक्चर नंबर 8 और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, पूरी टाइपिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो अगेन आई एम सेइंग के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वो जाके देख लें। तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।